सरकार बनाने के मंसूबों को नेस्तनाबूद करें। टीएमसी का आरोप सबसे बड़ा ये है संगीत रागी, टीएमसी का सबसे बड़ा आरोप ये है कि लेफ्ट वाले तो पर्दे के पीछे बीजेपी से मिल चुके हैं, उन्हीं का काडर है जो बीजेपी के लिए पत्थर फेंकने का काम करता है, उन्हीं का काडर है जो बीजेपी की रैलियों में आके दंगा भड़काने का काम करता है, और ये कह रहे हैं हम लेफ्ट के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे, तो लेफ्ट है किधर एक्चुअली? देखिए रोहित जी, लेफ्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ बंगाल में मारा है, उन्होंने केरला में भी मारा है। इसलिए लेफ्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी और आरएसएस के स्वयंसेवक जाएंगे, ऐसी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूसरी बात मैं बताऊं, 1970 के अंदर सेन ब्रदर्स को मारा गया था और मार करके सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने, काडर्स ने मार करके उनकी मां को ही उनको खून पिलाया पुलने के लिए मजबूर किया था। ये दहशत भरी चीजें सारे चौंकाने के लिए, डर पैदा करने की संस्कृति बंगाल के राजनीतिक संस्कृति में वामपंथियों ने जन्म दिया था। दुर्भाग्य है कि सुश्री ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की इस राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज उन्हीं लेफ्ट के काडर्स को अपनी पार्टी में उन्होंने मिलाया और उसी राजनीतिक संस्कृति को आगे खड़ा किया है, और उसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, आज सीपीएम के भी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पिछले 2014 के बाद और खास करके 2019 के चुनावों के पश्चात, जब उनको लगा कि बंगाल के अंदर जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब सीधी लड़ाई हो गई है, तो उन्होंने एक एक करके गिन गिन करके चुन चुन करके उन लोगों की हत्या करना शुरू कर दी जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध थे। एक और बात आपको बता दूं कि वहां पर जो मारने की जो शैली है वो इतनी निर्मम है, इतनी डरावना है, इतनी बिभत्स है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी को गले रेत करके, किसी को इतना उत्पीड़ित करके उनके पेड़ पर लटका देने, इस प्रकार के हत्या की संस्कृति जो है वो वामपंथियों में देखी जाती है या रेडिकल इस्लामिस्ट के अंदर देखी जाती है। ये दोनों तत्व आज के दिन में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, और इसीलिए जो हत्या का जो नृशंस नाच है और हत्या की जो शैली है वो इतनी अमानवीय है कि भारत की सनातन संस्कृति में इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का विध्वंस, इस प्रकार की हत्या की चीजें सोचना भी असंभव है। ओके ओके, मनोजीत मंडल बोलिए, फिर शाहनवाज जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए मनोजीत।